जोधपुर में सोमवार को 18 घंटे तक चले हाई वोल्टेज घटनाक्रम के बाद सीआरपीएफ के जवान खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। अब इस मामले में दो वीडियो सामने आए हैं। इसमें वह बता रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। वीडियो में वह कह रहा है, छोटा कर्मचारी होने से उसकी सुनवाई नहीं हो रही। संतरी की पोस्ट पर हूँ और ऊपर से अधिकारी परेशान कर रहे थे, उसकी बात आईजी तक नहीं पहुंचती। नरेश जाट ने डीआईजी पर भी आरोप लगाया, कहा सभी जानकारी होने के बाद भी पूरी जांच नहीं करते हैं। फिर उसने अपने गांव में रहने वाले दोस्त गजेंद्र शर्मा से भी बात कर अपनी परेशानी बताई। उसका भी ऑडियो सामने आया है, जिसमें नरेश ने बताया कि उस पर राइफल कॉक करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके कारण उसे ना तो ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, ना ही किसी से मिलने दिया जा रहा है। ऐसा 5 दिन से चल रहा था। ऐसे में परेशान होकर उसने हवा में फायर किया। उसने वीडियो में बोला कि उस पर लगा आरोप झूठा था। बताया जा रहा है कि नरेश ने यह वीडियो सोमवार शाम को हवाई फायर के बाद बनाया। 1 सितंबर 2019 को आरटीसी जोधपुर के नाम से सूरतगढ़ में रिपोर्ट किया। वहां से 2 महीने बाद वापस जोधपुर पहुंचा। यहां पर ड्यूटी कर रहा था, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली। तब मैं साहब के पास पहुंचा था। उसके बाद कोविड टाइम में आरटीपीसीआर लेने गया और एक्सीडेंट हो गया, जिससे छुट्टियां लेनी पड़ी। तब डीआईजी भूपेंद्र साहब ने बख्श दिया और ड्यूटी पर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। ये भी जानते हैं, हम छोटे परिवार के आते हैं, ये बड़े अधिकारी हमारी जान दे रहे हैं, ये हमारा लास्ट राम राम। तो इतना मैं गार्ड कमांडर बोला, तू मेरे आदमी से इतना इंक्वायरी क्यों कर रहा है? हाँ। तो मेरे पास आया वो दौड़ के। हाँ। तो मैं उसको धक्का दिया, मेजर क्या कर रहे हो आप, मेरे को मारोगे क्या? इतना मैं मेरे राइट हैंड बाजू से काट दिया। हाँ। काट दिया तो उसको मैं कोनी मार के छुड़ाया तो उसके आंख पे लग गया। मेरा अब हाथ का तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। इतने में सुनेंद्र साहब आए और डीएचएम साहब आए, हमारा अशोक कुमार बिश्नोई। हाँ। मैं बोला साहब ये लो राइफल, ये कब से बोल रहा है, कॉक किया कॉक किया, ये करो राइफल देखो साहब। अब वो आदमी यहाँ आके 5 दिन हो गया, ना तो मेरी ड्यूटी है, ना मुझे आउट पास दे रहे हैं, ना मेरे को स्टेशन लीव दे रहे हैं, और उसके लिए गार्ड लगा के रखी, डीजी बना के रखा, उसको मार के मरेगा नरेश कुमार, ऐसे नहीं मरेगा। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है, राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।